माय नेम इज़ अमन धालीवाल। ये फिल्म में मेरा जो किरदार है वो नील का किरदार है। जैसे ये फिल्म एक इट्स ए कम्बाइंड एफर्ट ऑफ यूथ एंड ओल्ड पीपल। तो ये पूरा ट्रैक, मैं यंग लड़का हूँ उसमें जो एक थिएटर का एक हिस्सा है, बिकॉज इट्स दिस फिल्म इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल फिल्म जो एक बड़ा एंटरटेनमेंट होने के साथ साथ बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज लेके चलती है, मैसेज हमारे समाज का। कॉफी हाउस इज डीलिंग इट डील्स विद सोशल इश्यूज एंड इट्स अ वेरी मैसेज सेंडिंग फिल्म। और यहाँ पर जितने भी किरदार हैं, जब आप मूवी देखेंगे तो हर इंसान से आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे एट सम स्टेज ऑफ द अदर। जब आप टीन्स थे, सो देयर इज़ अ सेट ऑफ पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग दैट, यू कैन कोरिलेट विद देम। फ्रॉम टीन टू मिडिल एज टू ओल्ड, वी हैव कवर्ड ऑल द सेक्शन एंड इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, इट्स अ मैसेज सेंडिंग फिल्म, दैट्स व्हाट आई कैन से। देखिए, हमारी कास्ट में आशुतोष राणा कमल किशोर का किरदार कर रहे हैं और साक्षी कविता का किरदार, दोनों हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी नहीं हमें, कि पहले ही मीटिंग में आशुतोषी से बात करके हमें लगा कि जिस सोच की फिल्म हम बना रहे हैं ये उस सोच से इत्तेफाक रखते हैं। साक्षी तन्वर, शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, उनके साथ तो कोई मतलब बस आंखों में देख के हम दोनों एक दूसरे से बोल देते थे कि अच्छा ठीक है, ये हो गया, ये नहीं करना, वो नहीं करना। साक्षी को, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं बहुत सालों से जानता हूँ, परिवार को जानता हूँ, तो और कोई किरदार, और कोई एक्टर मेरे दिमाग में नहीं आया इस किरदार के लिए। मैं चाहता हूँ कॉफ़ी हाउस तरह की फिल्में लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे हमारे समाज को एक नई सेध दे सके। Watch more. Log on to www.erosentertainment.com.